पाकिस्तान हर मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाता है और मुंह की खाता है। इस बार तो भारत ने पाक को ऐसा जवाब दिया कि वो दंग रह गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुधवार को रूस पर एक बहस के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को जोरदार जवाब दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के दौरान अपने स्पष्टीकरण में पाकिस्तानी राजनयिक मुनीर अकरम ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और दोनों के बीच समानताएं बताना शुरू कर दी। भारत ने इसका कड़े शब्दों में विरोध किया और जवाब दिया। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि हमने देखा है आश्चर्यजनक रूप से एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा इस मंच का दुरुपयोग कर और मेरे देश के खिलाफ बेकार और छिछोरी टिप्पणी करने की कोशिश की गई। प्रेसिडेंट, वन फाइनल पॉइंट। वी हैव विटनेस्ड अनसरप्राइजिंगली येट अगेन एन अटेम्प्ट बाय वन डेलीगेशन टू मिसयूज दिस फोरम एंड मेक फ्रिवोलस एंड पॉइंटलेस रिमार्क्स अगेंस्ट माय कंट्री। भारतीय राजनयिक ने कहा कि इस तरह का बयान उस मानसिकता को दर्शाता है जिसके तहत बार बार झूठ बोला जाता है और सामूहिक अवमानना का पात्र है। कंबोज ने सच्चाई सामने रखते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर का पूरा क्षेत्र हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। हम पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को रोकने का आह्वान करते हैं ताकि हमारे नागरिक अपने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का आनंद ले सकें। Such statements deserve our collective contempt and sympathy for a mindset which repeatedly utters falsehoods. It is important, however, to set the record straight. The entire territory of Jammu and Kashmir is and will always be an integral and inalienable part of India, irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets. We call on Pakistan to stop cross-border terrorism so that our citizens can enjoy their right to life. रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में यूएनजीए में वोट ना देने के अपने स्पष्टीकरण में भारत की तरफ से कहा गया कि हमारे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये युग युद्ध का नहीं है और ना ही हो सकता है। हम बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास करते हैं। भारत इसी दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा है और इसीलिए भारत ने वोट ना करने से दूर रहने का फैसला किया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें।